हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल माय नेम इज साक्षी चौरसिया इस वीडियो में मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और वो कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आप टेंथ मई के दिन ट्रेड कर सकते हैं उनके बारे में बताऊंगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर रेगुलरली लाइव मार्केट में अपडेट्स देती हूँ स्टॉक्स के रिलेटेड तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं देखिए तो इस टाइम पे बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करती हुई ऊपर जा रही है देखिए इसने इस टाइम पे भी सपोर्ट किया था इसने इधर भी सपोर्ट किया था इधर भी सपोर्ट किया था तो हम कह सकते हैं कि ये इस जगह पर टच होके ये वापस ऊपर जाएगी तो बैंक निफ्टी ने इस लाइन को सपोर्ट करके ऊपर जाती है तो हम बुलिश सिग्नल देखेंगे और अगर इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है तो हम इसमें वो देखेंगे तो इसके जो मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस है वो है इसका मेजर सपोर्ट है थर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्सटी समथिंग और अगर इसने थर्टी टू एर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड को ब्रेक किया तो हम सेल करेंगे ओके तो देख सकते हैं यही है अगर जो बैंक निफ्टी है वो इसको ब्रेक करके इस लेवल को ब्रेक करके जो है थर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी तो हम सेल करेंगे और इसने अगर थर्टी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी समथिंग के ऊपर ओपन होती है तो हम इसमें बाय करेंगे ठीक है यही था बैंक निफ्टी का एनालिसिस अब हम निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस देखते हैं यस देखिए निफ्टी फिफ्टी में भी ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रही है हायर हाइज बना रहे हैं और ये इस टाइम पे यहाँ आ चुकी है तो हम कह सकते हैं कि ये ऊपर जाएगी इसने मूविंग एवरेज को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है तो अगर निफ्टी फिफ्टी ने फोर्टीन के ऊपर निफ्टी फिफ्टी ओपन होती है तो हम इसमें बाइंग पोजीशन देखेंगे और अगर फोर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड के नीचे अगर ओपन होती है तो हम इसमें सेल की पोजीशन बनाएंगे यस तो प्रॉब्लम यह है कि हमारी कंट्री में अभी कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं लेकिन अगर हम मार्केट को देखें तो देखिए ये सिर्फ और सिर्फ हायर हाइज बना रहा है जिसके कारण मार्केट में एक लिटिल सी पैनिक की सिचुएशन है क्योंकि मार्केट रेगुलरली हायर हाइज जा रहा है लेकिन हमारी सिचुएशन इस हिसाब की नहीं है क्योंकि तो हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ है कंपनीज बंद हैं और इसके बाद भी शेयर मार्केट इतना ऊपर जा रहा है तो वो एक कंसर्न का है लेकिन अगर हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखें तो ये हमारे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है तो चलिए अब मैं आपको अपने स्टॉक्स के बारे में बताती हूँ जो कि आप कल कर सकते हैं सबसे पहला स्टॉक है, है हमारा हैंडेल को अब हेंडेल को मैं ये देखिए अगर हम इंडेल्को की बात करें तो रिसेंटली जो स्टील सेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ हायर हाइस बना रहा है तो देखिए ये मूविंग एवरेज इसको सपोर्ट करके ऊपर जा रही है इसने यहाँ पर भी मूविंग एवरेज को सपोर्ट करके ऊपर गया था इसने यहाँ पर भी मूविंग एवरेज को सपोर्ट करके गया था तो हम कह सकते हैं कि ये इस टाइम पर भी मूविंग एवरेज को सपोर्ट करके ऊपर जाएगी इसका सेकेंड कन्फर्मेशन हमें कब मिला था जब जब इसने जो लास्ट अपनी जो स्विंग की लेवल है वहाँ पर इसने एक हैमर बनाया है जिसकी वॉल्यूम भी देखिए कितनी ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा एक हैमर बनाया है ई एम ए और उसके बाद वाली कैंडल भी ग्रीन है तो चलिए अब मैं आपको इसके टारगेट्स बता देती हूँ तो हमें हिंडेल को बाय करना है फोर जीरो थ्री पर जिसका स्टॉप लॉस हमें लाइन पर रखेंगे जो है थ्री हंड्रेड नाइन्टी नाइन पर ओके तो ये था हमारा फर्स्ट शेयर अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड शेयर की वो है पीवीआर आप पीवीआर में देखिए कि पीवीआर एक कंसोलिडेशन रेंज में है यस yes, ये देखिए ये इसको टच करके ऊपर आ रहा है नीचे जा रहा है तो अगर कल इसने इस कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक किया तो हम इसमें इसमें हम दोनों साइड की मूवमेंट देख सकते हैं अगर पी ने 1160 क्रॉस किया है वो भी वॉल्यूम के साथ तो आप इसमें बाय कीजिए और अगर पीवीआर ने इलेवन थाउजेंड फिफ्टी क्रॉस किया है वो भी रेड वॉल्यूम के साथ तो हम इसमें सेलिंग पोजिशन देख सकते हैं वेल well, अगर हम इसमें वनडे के हिसाब से देखें तो वनडे में ये हमें बाइंग की पोजीशन दे रही है देखिए यहाँ पे ग्रीन हैमर बनाए और ये ऊपर जा रही है तो हमें ज्यादा चांसेस हैं कि ये अपसाइड की साइड ब्रेक करेगी अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड स्टॉक की अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं मैं वहाँ पर भी अपडेट्स देती हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड स्टॉक की वो है इंद्र प्रसाद गैस यस तो आप देखिए इसने इस जगह पर भी मेजर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करती हुई ऊपर जा रही है और इसने यहाँ पर अगेन ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है वो भी एक डोजी के साथ ये देखिए एक हैमर एक डोजी पैटर्न के साथ तो हम कह सकते हैं कि कल इंद्र प्रसाद भी इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके ऊपर जाएगी और अगर इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो हम इसमें सेलिंग की पोजीशन देखेंगे ठीक है तो हमें इससे बाय करना है अप्रोक्सीमेटली फाइव हंड्रेड एंड सेवनटीन के ऊपर समवेयर यहाँ पर और इसे हमें सेल करना है फाइव हंड्रेड एंड फोर्टीन के नीचे वाले लेवल पर ओके तो यह हमारा थर्ड स्टॉक था जिसे आप कर सकते हैं वेल well, मैं मेजरली प्राइस एक्शन के बेस्ड ट्रेडिंग करती हूँ ट्रायंगल और उसमें और अगर आप भी इस स्ट्रेटेजी के बारे में जानना चाहते हैं कि आप कैसे प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं तो उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है वो आप देख सकते हैं उसकी लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और ऊपर आई कार्ड पर भी तो चलिए अब मैं आपको फोर्थ स्टॉक बताती हूँ फोर्थ स्टॉक है जी जी एंटरटेनमेंट देखिए इसने इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करा है जब भी इसने इस ट्रेंड लाइन को टच किया है ये नीचे आई है तो हम कह सकते हैं कि इसने इस ट्रेंड लाइन को टच करके ये नीचे आएगा बट अगर आप सॉरी बट अगर आप यहाँ देखें तो देखिए इसने एक डबल बॉटम बनाया है एक सपोर्ट लेवल है तो हम कह सकते हैं कि तो हम कह सकते हैं कि ये अपसाइड जा सकता है और कल के दिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर सकता है तो देखिए अगर कल के दिन जील ने 100 uh, 188 लेवल को क्रॉस किया तो हम इसमें बाई करेंगे अदरवाइज अगर इसने 184 लेवल पर आया है तो हम इसे सेल करेंगे इसके टारगेट एक बार डीपली देख लेते हैं हमें बाय करना है 188 पर और जो इसका हम स्टॉप लॉस लगाएंगे वो आइदर 186 पे लगाएंगे ठीक है आप देख सकते हैं कि इसने ट्रेंड लाइन को वो किया है और इसने यहाँ पर डबल टॉप बनाया है वो भी बुलिश आर एस आई भी यही सिग्नल दे रही है डाइवर्जन दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि कल ये अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी आप इसमें बुलिश ट्रेड ले सकते हैं ओके तो एच डी एफ सी है हमारा फिफ्थ स्टॉक आप देख सकते हैं कि ये एक चैनल पर चल रहा है और मैं इसे काफी टाइम से वॉच भी कर रही हूँ तो अगर इसने इस चैनल को सपोर्ट किया तो कल हम बिलो इसको सेल कर सकते हैं बिलो अप्रॉक्सीमेटली टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फाइव के नीचे अगर ये जाता है तो हम इसे सेल कर सकते हैं और अगर कल इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक करी तो हमें एक हाई मूव भी मिल सकता है वैसे चांसेस इसके सेल के हैं क्योंकि आप देखिए यहाँ पर इसने क्विक रिजेक्शन भी दिया है तो हम कह सकते हैं कि ये कल नीचे जाएगा तो आप इसको टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एटी फाइव के लेवल के बाद सेल करना है ओके okay गाइज तो यही थे वो पांच स्टॉक्स जिसको आप टेंथ मई के दिन ट्रेड कर सकते हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे स्टॉक सेलेक्ट करें इंट्रा डे के लिए उसी दिन तो इसमें मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक फॉर इंट्रा डे ट्रेडिंग आप उसे देख सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वन मोर थिंग आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं उसमें मैं रेगुलर अपडेट्स देती हूँ थैंक यू